ये गूंजते मंत्रोच्चार। ये ओम की छाप, ये स्वास्तिक का निशान, ये हिंदुओं के पवित्र रक्षा सूत्र का बंधन। मोदी राज में कुछ ऐसा हुआ स्पेन से आए संकट मोचक विमान का अभिनंदन। ऐसे समय में जब इस देश की राजनीति में सनातन धर्म पर बवाल मचा हुआ हो, इस देश में जब मोदी को हराने के नाम पर बना गठबंधन सरेआम सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता हो, इस देश में जब सनातन धर्म का सरेआम अपमान किया जा रहा हो, तो वहीं इसी बीच भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में स्थित हिंडन एयरबेस पर जिस तरह से स्पेन से आए पहले एयरक्राफ्ट C-295 का जिस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ रक्षा सूत्र बांधकर अभिनंदन किया गया, वो तस्वीर देखकर सनातन विरोधियों के दिल में आग लग गई होगी। क्योंकि जिस सनातन धर्म को वो दिन रात कोसा करते हैं, उसी सनातन धर्म का डंका आज हिंडन एयरबेस पर बज रहा है। ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस हिंदुस्तान को इस सनातन धर्म की धरती कही जाती है, उसे हिंदुस्तान की धरती से आज सनातन धर्म को खत्म किए जाने की बात कही जा रही है। और ये सनातन विरोधी बोल कोई और नहीं, मोदी विरोध के नाम पर एकजुट हुए 28 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में शामिल डीएमके कर रही है। तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके के नेता और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जहां सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हुए इसे जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं तमिलनाडु सरकार के ही दूसरे मंत्री पोन मुडी ने तो यहां तक कह दिया कि 28 दलों के विपक्षी एकता वाले गठबंधन का मिशन ही सनातन धर्म को खत्म करना है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो रामचरितमानस से लेकर बद्रीनाथ धाम तक का विरोध कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सनातन धर्म के अपमान पर इंडिया गठबंधन चुप्पी साधे हुए है। यानी एक तरफ जहां विपक्ष सनातन धर्म के खात्मे की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्पेन से आए C-295 जैसे संकट मोचक एयरक्राफ्ट पर ओम और स्वास्तिक के निशान के साथ साथ रक्षा सूत्र बांध कर अभिनंदन किया, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। आनंद शंकर नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, सनातन विरोधी वीडियो देख विचलित हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर C-295 MW परिवहन विमान को पूजा अर्चना कर विधिवत भारतीय वायुसेना में शामिल किया। यह विमान 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 11 घंटे तक उड़ सकता है। इसके जरिए सैनिकों को सामान तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। राजा बर्मन नाम के एक यूजर ने विमान की पूजा कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हिंदू विरोधियों के लिए एक और नया जख्म। वैसे तो भारतीय सेना के बेड़े में कोई भी नया विमान शामिल होता है तो कुछ इसी तरह से विधि विधान के साथ उसकी पूजा होती है, और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले राफेल विमान की भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूजा की थी, लेकिन इस बार C-295 की पूजा पाठ के साथ अभिनंदन की चर्चाएं इसलिए हो रही है क्योंकि इन दिनों मोदी को हराने चला विपक्षी गठबंधन मोदी को हराने पर कम, सनातन धर्म के खात्मे पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहा है। C-295 विमान की खासियत, वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ C-295 विमान, 480 किलोमीटर प्रति घंटा है इस विमान की रफ्तार, 11 घंटे तक उड़ान भरने की ताकत रखता है C-295। आपदा या सैन्य मिशन में निभा सकता है बड़ी भूमिका। सैनिकों के साजो सामान को तेजी से पहुंचाने के लिए रियर रैंप डोर से लैस है विमान। स्पेन से आए इस विमान की क्षमता 5 से 10 टन वजन उठाने की है।
पैराशूट के जरिए सैनिकों के साथ सामान उतारने के लिए उपयोगी हो सकता है C-295। दो इंजन से लैस ये विमान 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। C-295 विमान 9 टन पेलोड के साथ 71 सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। 844 मीटर से 934 मीटर की लंबाई वाले रनवे से उड़ान भर सकता है। देश को स्पेन से मिला पहला C-295 विमान न सिर्फ संकट मोचक बनकर आपदा के समय भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि औद्योगिक इकाइयों में युवाओं के लिए इससे रोजगार भी पैदा होंगे, क्योंकि योजना के तहत विमान के 14,000 कलपुर्जों का उत्पादन देश में ही होगा। हर साल देश में विमान के 3,500 पुर्जे तैयार होंगे। ये विमान कारगिल, लद्दाख और देश की कठिन सीमाओं पर आसानी से उतर सकता है। इसमें दो प्रेंट एंड विटनी PW-127 टर्बो प्रॉप इंजन लगे हैं। इन्हें स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सूट से लैस किया जाएगा। इस विमान को एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किए जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 70 के दशक से सेवाएं दे रहे एवरो 748 विमान को वायुसेना धीरे धीरे अलविदा कह देगी। उसकी जगह यह अत्याधुनिक C-294 विमान लेगा, जो भारत की रक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाएगा। बहरहाल इस ताकतवर विमान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सेना के बेड़े में शामिल कर सनातन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वाश्चादिके शाणेतम्बिके गौरी नारायण वस्ते मल्लयादीन सुगंधानि पुष्पाणि ग्रहतां परमेश्वर उपवस्तं तमस्यां शास्त्रोक्त समर्पयामि। श्रीमन्मांगलाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्मांगला Thank you.